अभी ना गाइस, जो आपको ये मेरे पीछे कार कलेक्शन नजर आ रही है, इस लॉस एंड ऑफ सिटी के ब्रेदरन की कार कलेक्शन है। इसमें जो गोल्डन कार है ना, लॉस एंड ऑफ सिटी की सबसे महंगी कार में से भाई एक है। और यार मैं ना यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, इनके गार्ड की गनमैन हूँ, स्नाइपर हूँ, बट मैं आया यहाँ पे कार चुराने। और 2 दिन से यहाँ पे इनकी नौकरी कर रहा हूँ। यार क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट मेरे को चुराना पड़ेगा क्योंकि मेरे को मेरे शोरूम को अपग्रेड करना है, शोरूम बाय करना है। यार मेरे पास वैसे 10 करोड़ ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बट 10 करोड़ से कुछ नहीं बनेगा। और ये गोल्डन कार मिनिमम 30 करोड़ की है, इसको बेच के एक बड़ा सा शोरूम में परचेज करूँगा, जहाँ पे मैं शिंगचैन पिंगचैन और चॉप, हम तीनों एकदम बढ़िया तरीके से, चारों एकदम बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। कोई ना यार, अभी चलते हैं, इसको इनको मारना पड़ेगा क्योंकि मैं 3 दिन से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। यार क्या ही बोलूँ, थक गया हूँ काम कर करके। इसको पहले मारता हूँ। ओह भाई, मार दिए फटक से, हेडशॉट मार दिए। ओ भाई, मैं क्या ही तगड़े हेडशॉट मार रहा हूँ यार, क्या ही बोलूँ। ये वाली पकड़ लेता हूँ, 7 वाली भी काफ़ी महंगी है, बट मेरे को ये वाली ना ज़्यादा अच्छी लग रही। निकलते हैं यहाँ से। अभी इस आगे वाले बंदों को नहीं पता चला, हाँ इनको नहीं पता चला, इनको अभी भी यही लग रहा है कि शायद हमारा ब्रदरन कार चला रहा है या पुलिस वाले कार चला रहे हैं। कोई ना यार, इनको पता चल जाएगा। चलो यार निकल गए यहाँ से। उम्मीद करता हूँ मेरे पीछे इनकी रेड कार नहीं आ रही होंगी। देखते पीछे तो नहीं आ रहे, हमें पीछे ही आ रहे, मेरे पीछे ही आ रहे। पर कोई इतने मसले वाली बात नहीं है क्योंकि ये गोल्डन कार इतनी ज़्यादा स्पीड से भागती है ना कि क्या ही बोलूँ, ये मेरे पास आ ही नहीं सकते एकदम। इतनी देख सकते, इतनी तेज स्पीड है, अब निकल जाएंगे, अब पकड़ ही नहीं पाएंगे। ओ यार, अभी नहीं यार, यहाँ से निकलते हैं, सीधा चलते हैं शोरूम पर, क्योंकि मेरा एक शोरूम परचेज करना है जो काफ़ी ज़्यादा ओपी बना हो। देखते पीछे आ तो नहीं रहे, चल नहीं यार, रहने देते, निकलते सीधा जाके एक शोरूम परचेज करते हैं जो काफ़ी बड़े बढ़िया बना हो, जिसमें मेरा ऑफिस लैदा हो, शिंगचैन का लैदा, पिंगचैन का लैदा, चौक का लैदा ऑफिस हो, सारे हम ना मिलकर काम करें। यार कोई ना यार, ये आ गया, ये शोरूम काफ़ी बड़ा है क्योंकि यार अभी के टाइम पे जो लॉस एंजेलिस सिटी के शोरूम है ना, काफ़ी ज़्यादा बिक गए हैं, बहुत ही कम रहेंगे। यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, देख सकते हैं पार्किंग के लिए जगह बहुत ही ज़्यादा कम है। इसको मज़ीद अपग्रेड करके ना यहाँ पे एक पार्किंग का अलग से फ्लोर बनाना पड़ेगा। चलते हैं सीधा अंदर, अंदर चल के इनके मैनेजर से, वैसे मैंने कल बात करी थी फ़ोन पे कि भाई मैंने आपका कार शोरूम वगैरह ना परचेज़ करना है, मे बी इनके इन्होंने इनके वर्कर को बोल दिया, जाके पूछते हैं। हेलो मैडम, मुझे ना ये कार शोरूम देखना है, मैंने इसको परचेज़ करना है। ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, देख लें आप, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना, कोई तोड़फोड़ ना करना। कोई तोड़फोड़ नहीं करता, मैं छोटा सा बच्चा हूँ क्या। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ना जगह थोड़ी सी कम है, बाहर थोड़ी कार खड़ी हुई है, अंदर 3-4 कार खड़ी हुई है, बट हम ना इसको मज़ीद अपग्रेड करके इसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना देंगे। ऊपर चलते हैं, और जब मैं और चिंचन वगैरह थक जाएंगे, यहाँ पे हम गेम वेम खेल लिया करेंगे और सोफेज पे बैठ जाएंगे। लिफ्ट भी लगी हुई है ताकि पौड़ियों से ना ज़्यादा आया जाना। यहाँ पे देख सकते हैं ये कार वगैरह की जो डीलिंग वगैरह हम करेंगे, कितने की आई, किसको गई, कैसे गई, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। और ये भी साथ में खेलने वाला रूम बना हुआ है, ये जो आप रूम नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर सारे का सारा लोगों का डाटा होगा, कौन सी कार कितनी स्पीड, कितना हॉर्स पावर का इंजन है। और ये भाई ये बंद हुआ पड़ा है, यहाँ पे मीटिंग करेंगे, जो भी कार लेने आएगा उसके साथ एक ओपी सी बढ़िया सी मीटिंग होगी, जिसके अंदर सारी कार की डिटेलिंग वगैरह बताई जाएगी। चलो यार, हम आपको ना कार शोरूम एकदम दूसरी साइड से दिखा देते हैं, इधर से आप लोगों ने देख लिया, चलते हैं भाई यहाँ से, जंप कर दे, देखते क्या सीन होता है। अबे गिर गया यार मैं। अरे मैडम तो डर गई, मैडम डरने की बात ही नहीं है, ये तो डर गई है यार, क्या जी क्या ही बोलूँ। चल कोई ना, इसके ना लेफ्ट साइड पे चलते हैं, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत कार खड़ी होंगी, चलो चलते हैं, खड़ी होंगी। इसको ना मुझे मज़ीद बड़ा करना है, ये देख सकते हैं, ये खाने पीने का यहाँ पे सामान हो जाए करेगा, जब भी मैं और थोड़े भूख लगेगी, ये बंद हुआ बड़ा डोर, यहाँ पे खा पी लिया करें। इसको मज़ीद अपग्रेड करना है ताकि हम काफ़ी सारी कार यहाँ पर रख सकें। चलो इसका लेफ्ट, ये दूसरा गेट आ। अब ये पुलिस पर क्या कर रही, अपने हाथ ऊपर कर लो अपने। अब भागता हूँ यार, ये मेरे पीछे पुलिस क्यों लग गई, लगता है जो मैंने कार प्रेसिडेंट की चोरी करी ना, इनको पता चल गया मेरा। वे यार, ये तो मेरे को छोड़ने वाले नहीं है, यहाँ से जल्दी से ना कार उठाता हूँ, निकल जाते हैं भाई, निकलते निकलते। वो सामने से भी इनकी कार आ गई, पर ज़्यादा मसला नहीं है क्योंकि हमारी जो ये बड़ी गोल्डन वाली कार है ना, लॉस एंड सिटी की फास्टेस्ट कार में से भाई एक है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट भागती, बहुत ही ज़्यादा फास्ट। चलो यार, इस पर एकदम बढ़िया तरीके से भागते हैं, शुक्र है। अब ये मसला ज़्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे को पकड़ पाएंगे नहीं, हमारी कार इतनी ज़्यादा फास्ट है। पर फिर भी अगर इनको मेरे लोकेशन पता चल गया ना घर का, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, शिंगचैन पिंगचैन और चौप वगैरह को नुकसान ना पहुँचा दे। तो सुबह से स्कूल गए, अभी इनको स्कूल से भी लेने आना, उनको एकदम से सरप्राइज करूँगा ये गोल्डन कार दिखा के,
कि भाई जिस कार के तुम लोग सपने देखते थे भाई हमारे पास कार हो, फाइनली वो कार हमारे पास भी आ गई है। कोई नहीं, वो गलत तरीके से आई है, वो एक अलग बात है, बट हमने भी ले ली। चलो हाईवे पे आ गए, अभी पुलिस काफ़ी पीछे रह गई है। मिलते हैं सीधा हम माइकल के पास, माइकल के साथ हमें मिलकर बिजनेस करना है यार। चलते हैं सीधा उसके पास। फाइनली माइकल के पास पहुंच गए। इसने अबे ये क्या है, ये माइकल ने क्या रखा अपने साथ? अबे आजा यार, आजा जल्दी घर से बाहर आ, कार से बाहर आना, बातें करते आ जा। मैं आ रहा हूँ, बट तूने ये क्या रखा हुआ है? अबे तेरे को पता ही नहीं है, ये बहुत ही तगड़ा बिजनेस है, तेरे को क्या ही बोलूँ। ये मैं ना रिश्के रिश्के किराए भी देता हूँ, एक दिन का ना 1000 रुपये। और भाई 1000 में बनता ही क्या है? मैं क्या ही बोलूँ यार। ठीक है यार, मेरे को ना अभी ना थोड़ा लेट हो रहा है, मैंने ना बच्चों को स्कूल से लेने जा रहा है, मुझे कॉल आ रही है, देख सकते हैं ना, एक रश का मैं एक दिन का 1000 लेता हूँ। अबे तू एक दिन का पीस कितना कमा लेता है, 6 रश के 6000, और मैं भाई एक आधी कार चोरी करके एक दिन का 5 से 6 करोड़ कमा लेता हूँ। अबे छोड़ ना यार तू, मैं एकदम अच्छा कमा लेता हूँ ठीक ठाक। ये देख अभी मैं जाने लगा, मेरे को ना बच्चों को ले गया ना स्कूल से, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया उनका, उनकी कॉल आ रही मेरे को। तू भी ना क्या बंदा यार, ये छोटे मोटे काम करना तूने शुरू कर दिए, कुछ बड़ा करना, हमने कार शोरूम परचेज करना है, ये तू क्या कर रहा है तू? अगर मेरे को जाने दे, अपने कार साइड पे कर दे या कार साइड पे कर साइड से, चलो मार दे ना तूने, तेरे जैसे 1000 रिश्के आ जाएंगे अगर मेरी कार करो, क्या ही बोलो। इसको हो क्या क्या कुछ समझ में नहीं आया यार। इसने मेरे को सुबह तो ये कॉल किया था कि आ जाइए हम ना बिजनेस के रिलेवेंट थोड़ी डिस्कस करेंगे, बट इसका बिजनेस इतना ज़्यादा बोरिंग, और ये क्या बिजनेस है भाई, एकदम हंसी आ रही है, इतने कम पैसे और बिजनेस भी यार, इसमें इंसल्ट है इंसान की। चल यार कोई ना, अभी सीधा अपने घर चलते हैं, घर में चल के ना हम आपको अपनी कार कलेक्शन दिखाते हैं, उसके बाद मैं सिंथिया और पिंचन हम चलेंगे कार शोरूम परचेज करने, उनको साथ लेके जाऊंगा ना, ताकि बढ़िया से वो भी देख लें, वो भी चीज़ को चेक कर ले भाई हमें अच्छा लगा कि नहीं लगा, वो ना मैं देख लूँ, मेरे को तो अच्छा लग जाएगा, बट अगर उनको अच्छा ना लगा तो फिर मसला बन सकता है, वो बोले कि भाई क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं रहना यार, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा यार। चलो आने वाले, उम्मीद है मेरे को वो घर आ चुके होंगे, उनको मैं लेने नहीं गया, स्कूल वैन ने उसको, उनको लेने आना था यार। चलते हैं सीधा घर पर। ओ भाई काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, इतने ज़्यादा काम किए ना। चलो कार को ना सीधा गैराज के अंदर खड़े कर देते, पुलिस वुलिस का खतरा है मेरे को। शिंचन की कार, शिंचन में से कार पे है तो उसकी अभी तक कार नहीं पहुंची, पिंचन तो बस पे आता। अब ये कौन है? अपने हाथ ऊपर कर ले, ठीक है ना सर? बट मैंने कुछ नहीं किया, मेरे हाथ भी ऊपर करवा रहे। अबे हमें ना ज़्यादा हीरो बनती बन के दिखा, ठीक है ना, तेरे को ये भी पेल देगा, ख़त्म कर देगा। तूने प्रेसिडेंट की गोल्डन कार चुराई है, हम तेरे को छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है ना भाई? तेरे को सही बोल ले, अपने हाथ ऊपर करके हमारे साथ चला जा, वैसे भी तेरे को हम शूट करने वाले, मेरे 3 गिनने तक इसको गोली मार देना, ठीक है? ये जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसको हमने ख़त्म कर देना, इसने बहुत ज़्यादा कहा। अरे मैंने कुछ नहीं किया यार, क्या ही बोलूँ, मैंने कुछ नहीं किया। 1 2 और बोलो, 3 क्या है? 1 2 और 3, ये ले निकल निकल। ओ भाई बच गया, फिर मेरे को ख़त्म कर देते, बट अभी भी क्या कर सकते हैं, मेरे को अब तो परमानेंटली ख़त्म कर देंगे। मैंने एक नहीं दो नहीं काफ़ी सारे पुलिस वाले मार दिए हैं। मेरे को लॉस एंड सिटी को ना स्किप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा लॉस एंड सिटी को भाई, अलविदा करना पड़ेगा, वरना अगर मैं यहाँ पे रहना तो ज़िंदा नहीं बचूंगा। ये मैंने अपने घर के पीछे एक ना ये बाइक रखी थी एमरजेंसी के लिए, मेरे को पता था इस तरह का लफड़ा वगैरह हो जाता है कभी कभी, तो भागना पड़ जाता है। कोई ना यार अभी चलते लॉस एंड सिटी से बाहर, क्योंकि पूरे लॉस एंड सिटी की ना पुलिस मेरे को ढूंढ रही, कोई यहीं कहीं पे ना कोई, मैं कहता हूँ पहाड़ वहाड़ के नीचे छुप जाते हैं, अपना ठिकाना ढूंढ लेते हैं, क्योंकि आज रात तो यहाँ पर गुजारना पड़ेगा ही, सुबह निकल जाएंगे लॉस एंड सिटी से बाहर। बट मेरे पास काफ़ी सारा पैसा पड़ा हुआ है, मैं सिंगटन पिंचन और चौक को लेकर ना निकल जाऊँगा, पैसा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, उससे एक अच्छा था भाई कार शोरूम परचेज करेंगे और अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, काफ़ी अमीर हो जाएंगे, फिर हमने लग्जरी सा घर भी बनाएंगे। बट पिंचन बोल रहा था कि पहले हम बड़ा सारा घर बनाते, बट सिंचन ने और मैंने ये सोचा कि नहीं यार पहले हमने अपने कार शोरूम बनाते उसके बाद करेंगे। यहाँ पे अब मेरे को सोना है, कौन सी जगह ढूंढूं, यहाँ पे ना कार वैसे बाइक रोक के देखते हैं, मे भी कोई जगह वगह मिल जाए, पौड़ियों से ऊपर चल के देखते हैं यार, शायद कोई ना ऊपर थोड़ी बहुत जगह हो लेटने के लिए, आज रात मेरी निकल जाए ना तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। चलते हैं यार ऊपर, अभी खतरा यही है कि सिंचन पिंचन को पता चल गया हो कि हमारे घर पर पुलिस आई, वो घर पर ना आए, अगर तो घर पर आ गए ना तो पुलिस वाले उनका काम ख़राब कर देंगे, उन्होंने पुलिस वाले उनको पकड़ के ले जाना, और पुलिस वाले मेरे को बोलेंगे भाई जब तू आएगा तो उनको छोड़ देंगे। चल कोई ना यार,
सुबह से मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। देख लो यार आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो गाइस सब्सक्राइब लाजमी से कर देना। इधर कितना ज़्यादा डर लग रहा है, कोई ना थोड़ी बहुत जगह बची हुई आज रात यहाँ पे निकाल लेते, क्योंकि ज़मीन पे अगर मैं रहूँगा ना तो पकड़ा जाऊँगा, सारी लॉस एंड सिटी की पुलिस पीछे पड़ी। बाय बाय, सब्सक्राइब लाजमी से कर देना यार।